सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, और एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एसपी जौनपुरी ब्लॉग्स में। और ब्लॉग्स की शुरुआत हो रही है फील्ड से, तो आज जो है हम कर रहे हैं सॉइल सैंपलिंग। यहाँ पर जो है हम फील्ड में आए हुए हैं सेला कुई की तरफ, और यहाँ पर जो है हम सॉइल सैंपलिंग जो है करेंगे आज, और आपको भी दिखाएंगे किस तरह से जो है सॉइल सैंपलिंग की जाती है। तो थोड़ा सा मैं आपको फार्म दिखाऊंगा और सॉइल सैंपल लिया कैसे जाते हैं। भाई जैसा कि आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो और आज तक आपने देखा होगा, घूमने फिरने का कभी मंदिर में, कभी कहीं, कभी किसी पार्टी में मैं जो हूँ घूमने जाता था और उन जगहों पर जो है अपने ब्लॉग्स बनाता था। तो और अब जो है कुछ अलग ही मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा, फील्ड वर्क से संबंधित, मतलब धरातल पर कुछ जो है रिसर्च से संबंधित काम किए जाए, तो उन्हीं से संबंधित मेरे कुछ ब्लॉग होंगे कुछ टाइम के लिए। तो तब तक आप लोग बने रहिए और इंजॉय करते रहिए। ये जो आप देख रहे हैं जमीन में गाढ़ा गया है, ये है ऑगर, इसकी मदद से जो है सॉइल के सैंपल लिए जा। और ये हमारे साथ दो हमारे मदद करने वाले हेल्प करते हैं सॉइल सैंपलिंग में, तो ये भी कर रहे हैं। और ये है कोर से जो सैंपल निकाला गया है 0 से 15, 15 से 30 और 30 से 45 सेंटीमीटर की गहराई पर। ये जो आप लोगों को पेड़ दिख रहे हैं ये है खड़ीक के, यानी कि सेल्टिस के, और खड़ीक, और हम लोकल में इसको खड़की बोलते हैं। ये है चकोतरा का पेड़, और इस पे एक चकोतरा आपको लगा हुआ भी दिख रहा होगा। ये वे है, आप लोग देख सकते हो, ये है चकोतरा, ठीक है। ये है पानी की बोतल ला रखी हमने खेत में। भाई अभी लग चुकी है प्यास, तो थोड़ा सा जो है पानी पीते हैं हम। अमरूद का बगीचा, और बीच में ये फार्म के लिए जो है रोड जा रही है, और ये आप देख सकते हो पूरा ये अमरूद का बगीचा है। ये पूरा जो है चारों तरफ ये। तो गाइस अब हो चुकी है शाम, और जो है इसके बाद जो है अब हमें जो है और थोड़ा सा सैंपलिंग करनी है। अभी 4 बजे का टाइम हो रहा है, इसके बाद हमें जाना है वापिस इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद फिर जो है आज शाम को शादी में भी जाना है। तो आपको शादी का एंजॉय भी करवाते हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। उधर दूर कोई आपको कोई आदमी दिख रहा होगा, ये जो है फार्म की रखवाली कर रहे हैं यहाँ पर अभी। ये हमने जो है डिफरेंट डिफरेंट रेप्लिकेशन के हिसाब से जो है सॉइल सैंपल ले लिए हैं काफ़ी सारे, और अभी अन्य और भी देने हैं। जैसा कि हमने जो है सॉइल सैंपलिंग की और थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाया, डिटेल में आप लोगों को हम नहीं दिखा पाए, और मतलब ये बहुत बड़ा एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर भी है, बहुत बड़ा सिलेबस है सॉइल टेस्टिंग और सॉइल सैंपलिंग का। उसके बारे में हम अपने ब्लॉग में तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्लॉग में थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं दिखा पाता हूँ। अगर किसी को मतलब सॉइल सैंपल के बारे में जानना है कि हम इसको कैसे लेते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, तो वो मैं आपको जो है अलग से एक लेक्चर जो है तैयार करके आप लोगों को बता सकता हूँ। जो इसमें इंटरेस्ट हो वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ठीक है, मिलते हैं आपको शाम को जो है शादी में। ये देखो कितना भयंकर जाम लगा हुआ है अभी, और हम लोग वापस जा रहे हैं, और इसके बाद जो है आपको सीधे शादी में मिलते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। शादी में जो है डांस, शादी पार्टी में डांस चल रहा है, आप लोग देख रहे हो, एंजॉय करते रहिए। सुपर डुपर डांस जो है आप लोगों को दिखाया जा रहा है गाँव के माध्यम से, और आप लोग एंजॉय करो, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। पूरी शादी पार्टी में जो हमने मजा किया है जो है मनवार जी के साथ में। अब गाना आ गया हमारे फेवरेट सिंगर जो जौनपुर की है, मंजू नौटियाल।
सुपर हिट सॉन्ग है। और जयमाला का कार्यक्रम प्रारंभ, वर वधु को पूरे YouTube परिवार यानी कि हमारा जो चैनल का परिवार है उसकी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं, दाम्पत्य जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से आप मुस्कुरा रहे हैं ऐसे ही जीवन भर मुस्कुराते रहें, यही हमारी मंगल कामनाएं हैं वर वधु के लिए। खाना पीना हो गया है, शादी में धूम फिर लिए, इसके बाद जो है आप चलते हैं घर की तरफ को, अपने कमरे पे हमें वापिस जाना है। इसी के साथ जो है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।